हेलो फ्रेंड्स, आई रोहन सलूजा, ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज बात करने वाला हूँ बिजनेस ओनर और एंटरप्रेन्योर्स के लिए। डियर बिजनेस ओनर, जब कभी आप किसी दूसरे ओनर को देखते हैं कि वो बिजनेस ओनर अपने व्यापार के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, उसका जो रेवेन्यू का ग्राफ है वह बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उसका व्यापार एक्सपांशन मोड की ओर बढ़ रहा है, तो आपको लगता है कि आप भी वो व्यापार कर लें, आप भी उस बिजनेस में हाथ आजमा लें, क्या मालूम आप भी प्रॉफिट कमा लें। आपको लगता है आप भी उतना रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे, आपको लगता है आपका व्यापार भी एक्सपांशन मोड की ओर बढ़ जाएगा। पर एक सर्टेन लेवल पर आने के बाद आपको ये फील होता है, ये एहसास होता है कि यार ये व्यापार मेरे लिए बना ही नहीं था, मैं इस व्यापार में और आगे ग्रो नहीं कर सकता, मुझे ग्रोथ की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। सही मायने में वो ग्रोथ इसलिए रुक जाती क्योंकि आप दूसरे से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आपको लगता है दूसरा प्रॉफिट कमा रहा है तो हम भी कर लेंगे, पर ऐसा नहीं है। व्यापार वो करें जो व्यापार आपको सही मायने में समझ में आए, जिस व्यापार की डेप्थ को, गहराई को आप माप सकें। आज कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, लाइक ज्वेलरी इंडस्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, क्लॉथ इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज हैं। हर इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ बड़े प्लेयर होते हैं, कुछ छोटे प्लेयर होते हैं, पर क्या जो बड़े प्लेयर हैं उनका जो प्रॉफिट का रेशियो है या जो प्रॉफिट का ग्राफ है वो सबका एक समान एक गति से आगे बढ़ता है? बिल्कुल भी नहीं। कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, जिनका व्यापार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, कुछ ऐसे जिनका व्यापार स्लाइटली डाउन 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 हो रहा है। क्या वजह है इसकी? परिस्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन, बाजार, मंदी? नहीं, इसका जो सबसे बड़ा कॉज है, जो सबसे बड़ा कारण है, वो ये है कि व्यापार आपको समझ में ही नहीं आया। अरे अगर व्यापार करना है तो इसलिए मत करो कि व्यापार करना है, व्यापार इसलिए करो कि ये व्यापार मुझे समझ में आया, यहाँ मैं अपनी ताकत झोंक सकता हूँ, यहाँ मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, यहाँ मैं अपना पूरा पोटेंशियल लगा सकता हूँ कि मैं इसमें सफलता हासिल कर सकूँ। आज कई ऐसे लोग हैं जो नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, आज कई ऐसे लोग हैं जो डायनेमिक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, पर वो भी क्या करते हैं? दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अगर फैमिली मेंबर्स ने कह दिया कि भाई पारिवारिक बिजनेस है, यहाँ आ जाओ, यहाँ हाथ आजमा लो, आपके फादर, आपके चाचा, आपके ताऊ, आपके बड़े पापा ने यहीं से अपनी शुरुआत की, आज देखो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, तो आप भी हो जाओगे, आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ठीक है, बिजनेस में आप हाथ आजमा लेते हैं, लेकिन होता क्या है, सर्टेन लेवल पर पहुंचने के बाद आपको लगता है कि यार इस व्यापार के लिए तो बना ही नहीं था। फ्रस्ट्रेशन, 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 क्या करूं क्या करूं। इससे बेहतर यह है, जो लोग नया व्यापार खोलने का सपना देख रहे हैं, स्टार्टअप का सपना देख रहे हैं, एक डायनेमिक एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देख रहे हैं, मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूं, व्यापार वो करो जो व्यापार आपको समझ में आए, जहां आप अपनी पूरी ताकत झोंक पाए, जहां आपको लगे कि हाँ यहां संभावना है, यहां अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ अगर कुछ करने की जरूरत है तो वो है थिंक, पहले सोचें, सोचना पड़ेगा, इधर से सोचना पड़ेगा कि व्यापार मेरे को समझ में आया या नहीं आया, करूं या फिर ना करूं। सोच लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, आपने समझ लिया, उसके बाद प्रोसीड कर जाएं। आप देखेंगे आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, आप देखेंगे उस बिजनेस पे आप इतनी क्रांति लाएंगे जो कोई और नहीं ला सकता, क्योंकि सही मायने में वो बिजनेस आपके लिए बना होगा, क्योंकि बिजनेस आपको समझ में आया, सही मायने में आपने उस बिजनेस की जो गहराई को नापा है। डियर एंटरप्रेन्योर्स, जो भी मेरा आज ये वीडियो देख रहे हैं उनको सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि व्यापार वो करें जो व्यापार समझ में आए, व्यापार वो करो जिसमें अपनी ताकत झोंक पाओ, जिसमें आप अपना पूरा पोटेंशियल लगा पाओ, आपको सफलता जरूर मिलेगी। मुझे इतने धैर्यपूर्वक और इतने अच्छे से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।